समय दे नहीं हो वॉचिंग योर फेवरेट चैनल गिटार अड्डा। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रेटिट्यूड पार्ट सेकंड की, जिसमें आज मैं आपको सिखाऊंगा रिदम पार्ट। अगर आप इसका टैप पार्ट सीखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैंने आपको प्रोवाइड किया है उस पर आप क्लिक करके इसका जो टैप पार्ट है, पार्ट वन है जो मैंने कुछ दिनों पहले सिखाया था, वो आप सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगेन दो तीन चीज़ें जो नोट में लाने वाली बात है वो है कि अगेन मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने रिदम पार्ट भी प्ले करना है या आपने टैप पार्ट प्ले करना है, आपके जो राइट हैंड है उसके जो नेल्स हैं वो बड़े होने चाहिए, तो जो साउंड है वो आपको प्रॉपर अच्छी आएगी। ठीक है, एंड सेकंड इसमें जो कॉर्ड्स हैं, दो तीन चार पांच जो कॉर्ड्स प्ले हुए हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे कौन से कॉर्ड प्ले हुए हैं इस ग्रैटिट्यूड में, जो अगर आप रिदम पार्ट प्ले करना है। ठीक है, तो अगर आप बिगनर हैं तो माइट भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए, बिकॉज इसमें जो कॉर्ड्स प्ले हुए हैं वो बार कॉर्ड्स हैं बेसिकली। एंड बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने एक बार स्ट्रमिंग सीख ली तो आपको खुद में आपको लगेगा कि नहीं मेरे को ये सीखना, बिकॉज मेरा भी जो टाइम था वो ऐसे ही मैं सीखा था ग्रैटिट्यूड को। तो प्लीज़ आप ट्राई ज़रूर करिएगा, चाहे आप बिगनर हैं चाहे आपको गिटार प्ले करना आता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट कॉर्ड इसमें यूज़ हुआ है वो ए माइनर। अब ए माइनर जो कॉर्ड हम प्ले करते हैं वो हम, मैं आपको बार कॉर्ड्स बताऊंगा बेसिकली सारे, तो ये ई माइनर शेप में पकड़ते हैं। ई माइनर जैसे हम यहाँ पे पकड़ते हैं ना, तो इसी शेप में हमने फिफ्थ फ्रेट पे अपना बार फिंगर रखनी है, तो ये है ए माइनर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ई माइनर। सेकंड जो कॉर्ड इसमें यूज हुआ है वो है जी मेजर। जी मेजर हम पकड़ते हैं ई मेजर शेप में, और जो हमारी बार फिंगर रहती है वो रहती है थर्ड फ्रेट पे, तो रहता है हमारा जी मेजर। इसी को अगर हम दो फ्रेट पीछे अगर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा एफ मेजर, सेम ई मेजर शेप में, और आपकी जो बार फिंगर है वो रहेगी फर्स्ट फ्रेट पे। एंड अगर इसी को हम बार हटा के अगर इसको ही ऐसे कर दे तो ओपन ई मेजर बनता है। ठीक है, तो आपके तीन कॉर्ड तो सेम ही हो गए, ई मेजर शेप में ही हो गए, एक ई मेजर, एक फ्रेट आगे लेके आए और आपने बार फिंगर रख ली फर्स्ट फ्रेट पे एफ मेजर, एंड दो फ्रेट आगे जी मेजर, और जस्ट आपने दो फ्रेट और आगे लेके जाना है, जस्ट आपने मिडल फिंगर उठा लेनी है, तो आपका ए माइनर बनता है। बार कॉर्ड ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ा सा। एंड इसमें कॉर्ड यूज़ हुआ है डी माइनर। डी माइनर, डी माइनर हम पकड़ते हैं इंडेक्स फिंगर के साथ फर्स्ट फ्रेट की फर्स्ट स्ट्रिंग, मिडिल फिंगर के साथ सेकंड फ्रेट की थर्ड स्ट्रिंग, एंड जो रिंग फिंगर होती है उसके साथ हम पकड़ते हैं थर्ड फ्रेट की सेकंड स्ट्रिंग। तो ये बेसिक कॉर्ड्स हैं जो इसमें प्ले हुए हैं। अब मैं जो मेन है इस लेसन के बारे में वो है इसकी रिदम, जो इसका स्ट्रमिंग पैटर्न है, जो लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, एंड कोई भी प्ले करता है तो लगता है कि हाँ यार कुछ बहुत बढ़िया प्ले कर रहा है। ठीक है, तो मैं आपको चार टेक्निक्स सिखाऊंगा बेसिकली इस स्ट्रमिंग को प्ले करने की। आप बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस हैं, बट मेरे को नहीं लगता एक वीडियो में एक से ज़्यादा तरीके से किसी भी स्ट्रमिंग को सिखाया गया। मैं आपको चार तरीके से एक ही स्ट्रमिंग को प्ले करना सिखाऊंगा, बेसिक भी रहेगी, लाइक अगर आप बिगनर हैं तो आप बेसिक से शुरू करो, थोड़ा इंटरमीडिएट हैं तो आप उस लेवल पर आप प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इसकी स्ट्रमिंग है बेसिकली सेवन स्ट्रोक की है। ठीक है, सो आपकी जो फर्स्ट स्ट्रमिंग पैटर्न रहेगा, ठीक है, मतलब आपकी जो फर्स्ट टेक्निक रहेगी वो रहेगी, आपको जो डाउन लेना है वो लेना है फिंगर से, और जो आपने अप लेना है वो आपने लेना है थंब से, किसी भी, अगर चाहे डाउन स्ट्रिंग हो चाहे डाउन स्ट्रम हो तो आपने फिंगर से ही करना है, और अप होगा तो सिर्फ थंब से ही करना है। ठीक है, ये प्लीज़ नोट करना क्योंकि अगले वाले जो टेक्निक्स हैं उनमें कुछ चेंजेस हैं। तो आपने क्या करना है, तो सबसे पहले स्ट्रोक है आपकी डाउन, देन अप, देन डाउन, देन अप, देन स्लैप। ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव स्लैप होगी, देन इसके बाद जो आपने अप लेना है वो इसके साथ ही आपने, जैसे आपने स्लैप किया उसी के साथ आपने अपनी फिंगर्स को ऊपर ऊपर की तरफ मूव करना है, एंड आपकी अप स्ट्रोक आ जाएगी। सो कैसे, डाउन अप, डाउन अप, स्लैप अप, डाउन अप, एट स्ट्रोक्स होगी बेसिकली, डाउन अप, डाउन अप, स्लैप अप, डाउन अप। ठीक है, इसको आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़ा सा स्लोली प्ले करेंगे, डाउन अप, डाउन अप, स्लैप अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, स्लैप अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, स्लैप अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, स्लैप अप, डाउन अप। ठीक है, और कॉर्ड के साथ अगर हम प्ले करके देखें, डाउन अप, डाउन अप, स्लैप अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप,
स्नैप अप डाउन अप। तो इसी को अगर आप फास्ट तरीके से प्ले करेंगे जैसे उसमें प्ले होता है, तो उसमें ठीक है ये ऐसे प्ले होता है। अगर जो बेसिक है वो यही है, जब मैंने भी स्टार्ट किया तो इसी स्ट्रमिंग से किया था। ठीक है, जो नेक्स्ट जो स्ट्रमिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आपका जो अब पार्ट सॉरी टेक्निक सेकंड आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ। जो टेक्निक सेकंड एंड जो थर्ड है वो सिमिलर है, बस कुछ से चेंजेस है उसमें। तो आपने जो डाउन स्ट्रम लेना है वो आपने लेना है फिंगर से। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट में रिस्ट मूवमेंट कर रहे थे वो आपने नहीं करनी है, सिर्फ आपने डाउन फिंगर से एंड अप आपने थंब से। तो आपने कैसे प्ले करना है, डाउन अप, आपने इसमें अप, मैं अब देखना ध्यान से कि मैं अप कहाँ पे आपसे थंब को बोल रहा हूँ, कहाँ पे आपको फिंगर से बोल रहा हूँ। तो आपने फिंगर से ही चार स्ट्रोक लेनी है, डाउन अप, फिर आपने जो नेक्स्ट डाउन है फिफ्थ नंबर वो आपने लेना है थंब से, देन उसके बाद आपने सिक्स स्ट्रम ओपन सॉरी अप थंब से देन स्लैब। ठीक है, कैसे, डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है, कैसे, डाउन अप डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन अप डाउन अप। तो आपको ऐसे प्ले करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कैसे प्ले होगी, तो आप ऐसे प्ले कर सकते हैं। जो थर्ड वाला टेक्निक है वो आप प्ले कर पाओगे, लाइक आपने जो फिंगर ली, आपने इंडेक्स फिंगर आपने ली, उसकी जगह आप पूरे चारों फिंगर्स को मूव कर सकते हैं, डाउन अप, फिर आपने थंब से डाउन देन अप से डाउन देन स्लैप एंड अप। ये एक चीज़ कॉमन रहेगी, जो जिसके बाद भी हमारी स्लैप रहेगी उसके बाद जो अप आएगा वो फिंगर्स के साथ आप ऐसे ही लोगे। सो डाउन अप देन थंब से डाउन then up से down, up thumb से then slap then up। ठीक है, ये ऐसे तरीके से play हो जाएगी। मेरे जो thumb का नीला वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो इसीलिए थोड़ी सी problem होगी, तो आप आराम से अपने हिसाब से आप नेल्स बड़े कर सकते हैं। ठीक है, एंड जो लास्ट है वो थोड़ी लाइक टफ है, तो आप प्लीज़ ध्यान से सीखिएगा। अब मैं आपको फोर्थ नंबर टेक्निक सिखा रहा हूँ। तो फोर्थ नंबर जो टेक्निक रहेगी वो रहेगी, थंब से आपने डाउन लेना है फर्स्ट रो, डाउन देन आपने थंब से ही अप देन आपने फिंगर से डाउन सॉरी हाँ थंब से डाउन फर्स्ट रो देन सेकेंड अप थंब से देन आपने थर्ड फिंगर से डाउन देन फोर्थ आपने अप से थंब से, ठीक है, एंड फिर आपने स्लैप देन फिर अप देन डाउन देन अप। तो कैसे, थंब डाउन थंब अप फिंगर डाउन थंब अप स्लैप अप डाउन फिंगर अप थंब। तो ये कैसे प्ले होता है, आपने कितनी फास्ट तरीके से प्ले करना है वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। मैंने जो स्ट्रमिंग पिक की है वो मैंने सेकंड वाली पिक की है, बिकॉज़ इसमें क्या होता है आपने रिस्ट भी नहीं ज़्यादा मूव करनी है एंड आपका इजी से अच्छी साउंड आ जाती है इसमें। ठीक है, तो अभी मैं आपको सिखाता हूँ कि स्टार्ट कैसे होता है। ये हमारा रिदम पार्ट की जो टेक्निक थी ये वो था, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा स्टार्ट होता है वो हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से, ऐसे कुछ साउंड आती है। तो ये है 12th फ्रेट, ठीक है, फर्स्ट स्ट्रिंग ई स्ट्रिंग बेसिकली। आपने क्या करना है, आपने बार रख देनी है और बार आपने जोर से नहीं रखना है, आपकी जो बाकी स्ट्रिंग्स होंगी वो साइलेंट होंगी, आपकी जो साउंड करेगी वो सिर्फ ई स्ट्रिंग प्ले करेगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वही स्ट्रमिंग आप कोई भी प्ले कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे प्ले करना है 12 11 8 7। ठीक है, तो कैसे,
जो स्टार्ट होता है वो तो ऐसे होता है, पांच छह बार आप ऐसे प्ले कर सकते हैं, फिर उसके बाद दो तीन बार आपने ऐसे प्ले करना है, ठीक है? कैसे? 12, 11, 8, 7, उसके बाद आप आगे, उसके बाद आपने स्ट्रमिंग को छोड़ना नहीं है, बंद नहीं करना, आपने उसके बाद टैप प्ले, यदि यहाँ से आपने ई स्ट्रिंग पे ही आपने जो फ्रेट पे है आपने टैप प्ले करना है, ठीक है? तो उसके बाद आपने आपने ट्राई करना कि आपकी जो स्ट्रोक आ रही है वो ई स्ट्रिंग पे ही प्ले हो और ज़्यादा से ज़्यादा बी पे हो, ऊपर ज़्यादा साउंड नहीं आनी चाहिए, आपके जो स्ट्रोक रहे वो नीचे ही होने। उसके बाद आपका क्या रहेगा, 4, पहले तो 0 पे ही प्ले होगा, ठीक है? फिर उसके बाद 4, फिर आपने हैमर करना 5, देन आपने हैमर करना है 7 पे। तो कैसे रहे? कैसे? मैं आपको स्लोली प्ले करके दिखाता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसे प्ले होगा, पर आपने स्ट्रमिंग जो है कॉन्टिन्यूस आपकी प्ले होगी। ठीक है, एक स्ट्रमिंग आपकी प्ले होगी, देन उसके बाद आपने फिर से, फिर आपने 0, 0, 4, 0, 5, 0, 7, फिर 0, फिर आपने ये 8, 9, 10 पे आपने प्ले करना है। तो कैसे? तो आपने 0, 4, 0, 5, 0, 7, देन आपने 10 और 7 पे करके आपने फिर से, फिर आपने फिर से वापस जाने जाना है, फिर आपने फिर से 0, 4, 0, 5, 0, 7, फिर 10, 7, 8, 7, 5, 7, देन आपने स्लाइड करके 4 पे, ठीक है? ये आपका यहाँ पे टैप पार्ट ख़त्म होता है। तो मैं आपको शुरू से बता देता हूँ, तो यहाँ पे क्या था, सेवन, 10, 0, 4, 0, 5, 0, 7, 10, 8, 7, 5, 7, फिर उसके बाद आपका ई मेजर प्ले होता है। तो ये अगर आप, मैंने तेज प्ले करना, ठीक है, उसके बाद आपका ई मेजर पकड़ लेना आपने इमीडिएटली, ठीक है? तो उसके बाद आपने ई मेजर पे आपने स्ट्राइक करना है, ठीक है? जब आप ई मेजर प्ले करेंगे तब आपने जो अपर स्ट्रमिंग्स हैं उन पे ज़्यादा आपने ध्यान देना, ठीक है? तो उसके बाद जैसे आपने स्लैब तक आपने ई मेजर, देन उसके बाद आपने 1, 4, 1 से लेके आप यहाँ तो स्लाइड 4 कर सकते हैं, या आप 1 पे लेके पिंकी के साथ 4 आप ऐसे प्ले कर सकते हैं। कैसे? ये आपने 3 बार प्ले करना है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से थोड़ा बता देता हूं, ठीक है? यहाँ तक अभी तक का पार्ट था। उसके बाद आपका आ जाता है मेन, जो यहाँ पे ए माइनर, जी, एफ एंड ई पे प्ले होता है। वो कैसे प्ले करना है आपने? सेम आपने स्ट्रमिंग पैटर्न रखना है, देन आपने स्लैब तक आपने ए माइनर, देन उसके बाद आपने यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे आपने पिंकी फिंगर के साथ 8, कैसे? ये कैसे प्ले होता है पहले मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये कैसे प्ले करना आपने? पहले ए माइनर पे होगा, ए माइनर पे आपने हाफ स्ट्रम करना, देन आपने यहाँ से पिंकी फिंगर के साथ 8, 7, देन यहाँ पे आपने जी मेजर पे आ जाना, ठीक है? देन आपने यहाँ पे पिंकी फिंगर आपने रखनी है 7,
5, आप यहाँ तो पिंकी एंड रिंग के साथ भी कर सकते हैं, यहाँ तो आप पिंकी को 7 देन 5 पे स्लाइड, देन उसके बाद आपने एफ मेजर, तो आपने यहाँ पे सॉरी ये आ गया 5 4 5 4 दो बार, देन ई मेजर, ठीक है, कैसे ए माइनर हाफ स्ट्रमिंग, देन उसके बाद 8 7 देन जी मेजर हाफ स्ट्रमिंग स्लैप तक, देन 7 5 देन एफ मेजर 5 4 5 4 ई मेजर, तो ये कैसे प्ले होगा, ये आपने दो बार प्ले करना है, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम था उसमें आपने सारा कुछ सेम है, बस जो सेकंड टाइम में प्ले होता है जहाँ पे हम 5 4 5 4 दो बार प्ले कर रहे थे, थर्ड बार सेकंड टाइम में हमने तीन बार प्ले करना है, ठीक है, तो आप एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है, ये हो गया, उसके बाद आपने जस्ट ई मेजर ए माइनर डी माइनर, फिर आपने ई मेजर ए माइनर एंड डी माइनर प्ले करना है, ठीक है, तो उसके बाद एक जगह आता है जो यहाँ पे स्लाइड किया जाता है, वो थर्ड फ्रेट पे सेम डी माइनर होता है, उसके बाद कुछ उनका थोड़ा कूल बिहेवियर थोड़ा स्टार्ट हो जाता है, लाइक जो यहाँ पे प्ले होता है, तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप वो प्ले हो जाएगा, ठीक है, एंड उसके बाद यही था, अगर आपको लाइक मैं एक बार आपको पूरा प्ले करके दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा हेल्पफुल रहे, अगर कहीं पे नहीं समझ आए आप एक बार फिर से देख लीजिए, स्टार्टिंग ऐसे कुछ प्ले कर सकते हैं, अगर आपको टेक्निक्स वाइज अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, अगर आपको स्ट्रमिंग का नहीं समझ आता, ऑलमोस्ट इसमें कुछ ओवर एड ऑन अगर आपने करना चाहते हैं तो आप एक बार ओरिजिनल वीडियो आप देख लीजिए, मेरा मेन मकसद था आपको टेक्निक सिखाना, आप कैसे इसको प्ले कर सकते हैं, बाकी अगर कुछ कम ज़्यादा है तो आप अपने से सीख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है ग्रैटिट्यूड का, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे मैंने इसका लिंक दिया है, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, और ऐसे आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, प्लीज़ अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, एंड प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिए, तब के लिए थैंक यू।